खतरों के खिलाड़ी के लिए मनीषा को किया गया इतने लाख का ऑफर। रोहित शेट्टी के शो में मिला मनीषा को बड़ा ब्रेक। वेल क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी की हर तरफ बस छाई नजर आती है। मनीषा रानी को फैंस बेहद पसंद करते हैं। पिछले दिनों मनीषा रानी झलक दिखलाजा में नजर आई थी और मनीषा इस शो की विनर भी बन गई थी। ऐसे में मनीषा रानी के फैंस दीवाने हैं और उन्हें हमेशा मनीषा अच्छी लगती हैं और उनकी झलक को पाने के लिए वो बेकरार भी रहते हैं। मनीषा हर वक्त अपने सोशल मीडिया से अपने फैंस को अपडेट भी देती रहती हैं और जब से मनीषा का शो झलक दिखलाजा खत्म हुआ है तब से मनीषा के फैंस थोड़े सैड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मनीषा का हर हफ्ते इंतज़ार होता था, उनके परफॉर्मेंस का वो वेट करते थे। ऐसे में मनीषा ने भी आकर अपने फैंस से कहा था कि आगे भी वो उन्हें किसी न किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे, वो काम करती रहेंगी और अपने फैंस को एंटरटेन भी करती रहेंगी। और अब मनीषा के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मनीषा रानी को खतरों के खिलाड़ी ऑफर किया गया है और अगर मनीषा इस शो को हाँ कह देती हैं तो मनीषा के फैंस हर हफ्ते मनीषा को शो में स्टंट परफॉर्म करते देख पाएंगे। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी जो शो है वो काफ़ी वक्त तक चलता है और ऐसे में इतने लंबे शो में मनीषा को देखना फैंस के लिए प्यारा ट्रीट तो हो ही सकता है। अब आपको बता दें कि शो के लिए मनीषा रानी को काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑफर किया गया है, या यूं कह दें कि मनीषा रानी हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बन जाएंगी अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो। मनीषा रानी को जो ऑफर किया गया है पर एपिसोड वो दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत जुबेर से काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी एक वक्त की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में से थी और उसके बाद उनका रिकॉर्ड जन्नत जुबेर रहमानी ने तोड़ा था और अब इन दोनों का रिकॉर्ड मनीषा ब्रेक कर सकती हैं। अगर मनीषा रानी इस शो को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उन्हें पर वीक रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से भी ज़्यादा लाख रुपए मिलेंगे। और ये तो सबको पता ही है कि जो ये शो है खतरों के खिलाड़ी वो काफ़ी लंबा चलता है, 2 से 2.5 महीने तक ये शो चलता है। तो ऐसे में हर हफ्ते मनीषा की काफ़ी अच्छी खासी कमाई इस शो से होने वाली है और अगर मनीषा एंड तक पहुंचती है तो करोड़ों में मनीषा पहुंच जाएगी और उनका जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल तो मनीषा अगर इस शो को हाँ कहती हैं तब ही बात बन पाएगी, क्योंकि अगर मनीषा को किसी जानवर या छिपकली इन सब से डर लगता होगा तो मनीषा इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। वहीं ये भी खबरें हैं कि मनीषा के साथ साथ अभिषेक को भी इस शो का ऑफर दिया गया है, पर अभिषेक मल्हान अपने YouTube चैनल में काफ़ी बिजी रहते हैं और इस वजह से शायद अभिषेक इस शो को हाँ करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। और अगर अभिषेक भी हाँ कर देते हैं तो अभिषा को एक साथ फिर से शो पर देखना फैंस के लिए किसी एक्साइटमेंट से कम नहीं होने वाला है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और आप मनीषा और अभिषेक को किसी शो में एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।